दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ। इस वक्त एडमिंटन में हो चुका है आज और यहाँ पर 12:03 हो रखे हैं, संडे का टाइम है। और मेरे साथ जुड़ी हुई है हर्षिता दिमान फ्रॉम अम्बाला और ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। और आओ देखते हैं कि क्या इनके पास कुछ अपना इनका बैकग्राउंड और इनका इनके पास जो कोई कोई डिस्कशन है करने के लिए केस के बारे में, वो देखते हैं। हर्षिता वेलकम टू द शो, आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक मेक टाइम यू नो फॉर अस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेयर आर यू इन अम्बाला, यू हैव ऑफिस इन अम्बाला? एक्चुअली सर ऐसे फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स मैं इमिग्रेशन में एज एन काउंसलर काम कर रही थी, एज एन वीज़ा काउंसलर। तो आपको पता ही है अभी राइट नाउ पंजाब साइड में या हरियाणा साइड में गुजरात में कितने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो वो चीज़ को सोचते हुए मैंने लास्ट ईयर अपना खुद का काम शुरू किया। राइट नाउ ऐसे कोई कमर्शियल प्लेस पे ऑफिस नहीं है, मेरा घर पर ही ऑफिस है छोटा सा। कि बेसिकली मैं क्वालिटी पे काम करना चाह रही हूँ इंस्टेड ऑफ क्वान्टिटी। अम्बाला में पहले थोड़ा सा अम्बाला के बारे में बात कर लेते हैं। अम्बाला में इमिग्रेशन कंसल्टेंट बहुत हैं, कितने हैं, कैसे हैं, वहाँ का बताएं, सीन बताएं वहाँ का। बहुत सारे यहाँ पे अम्बाला सिटी में विकास विहार है, वहाँ पे लगा लीजिए कि एक कंप्लीट मार्केट है जो पूरी सर वीजा कंसल्टेंट से ही भरी हुई है। वहाँ पे विश्वास वाले भी हैं, इनफैक्ट आप मानेंगे VFS ग्लोबल है ना, लोगों ने VSS ग्लोबल के नाम से इमिग्रेशन ऑफिसेज ओपन किए हुए हैं। मतलब ड्रामा करने के लिए, गुमराह करने के लिए। एग्जैक्टली समटाइम्स जब मैं भी देखती हूँ तो शॉक होता है कि भाई हो आप लोग। इनफैक्ट ये हमारे इंडियन हमारा जुगाड़ है ना, इंडियन जुगाड़ हमारा सही चलता है कि कहीं ना कहीं घुमा लेते हैं। मेरे को याद है एक्चुअली आज से हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे, दिल्ली की बात है, वहाँ पर जब हमें भी मालूम नहीं था कि अमेरिका क्या है, कनाडा क्या है, स्कूलों में हम लोग धक्के खाते थे उधर, वहाँ पर एक जोक होता था कि भाई ये टी शर्ट खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, तो उसमें लिखा होता मेड इन USA, जबकि वो लोकल होती थी। तो बाद में मेरे को बताया, अरे यूएसए यूएसए वाला नहीं है, ये है मेड फ्रॉम यूनाइटेड सिंधी एसोसिएशन ऑफ उल्लासनगर या समथिंग, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन ऐसा कुछ चक्कर था, सॉरी उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन ऐसा कुछ चक्कर था। ये बहुत पुराने जमाने से ये हमारा जो शब्दों का तोड़ मरोड़ चल रहा है हमारा। तो अम्बाले में ऐसी काफी सारे दुकानें खुली हैं, कंसल्टेंट खुले हैं। अम्बाले का जो मार्केट है वो चंडीगढ़ के मार्केट और जलंधर के मार्केट से फर्क कैसे है? सर ऐसा है कि चंडीगढ़ में जो आप मानेंगे लाइक चंडीगढ़ काइंड ऑफ आप लगा ले पंजाब के पास आता है, तो वहाँ पे आप लगा लीजिए कि मार्केटिंग लोग बहुत हाई लेवल पे करते हैं। अभी सेक्टर 17 चले जाएं आप, कैनम के ही वहाँ पे पता नहीं कितने ऑफिसेस खुले हुए हैं। मैं ऐसे स्पेसिफिक किसी का नाम ले रही हूँ तो हाँ कल कोई इश्यू ना हो, बट स्टिल मैं एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। कैनम लाइक विनय हरी का नाम सुना होगा आपने, उन्हीं के कितने सारे ऑफिसेस खुले हुए हैं यहाँ पे। इसलिए कि अभी लिमिटेड स्टेट पे इतना ज्यादा पंजाब जैसे बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ है, बट है। ओके सो आप बताएं, आपकी क्या फोकस है, आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, आप क्या करते हैं, और केस जिस केस के बारे में आपको डिस्कस करना था, मेरे से कुछ पूछना था, उसके बारे में बताएं। कोई आपके पास कोई टेढ़ा मेढ़ा केस था जो पूछना था उसके बारे में बताएं। बेसिकली सर राइट नाउ तो मेरा जो पिछला बैकग्राउंड रहा है, मैंने इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ ही काम किया था जिस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी। आफ्टर दैट जब मैं अम्बाला मूव हो गई, वापस अपने होम सिटी आ गई, फिर मैंने यहाँ पे भी एक दो कंसल्टेंट्स के साथ काम किया है। तो मेरा जो मेन फोकस ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली मैं स्टडी वीजा पे काम करूंगी जैसे मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट स्टडी वीजा पे काम करते हैं। तो मेरा मेन फोकस PR पे भी है, बिजनेस वीजा पे भी है, जो भी सभी स्ट्रीम्स है उन सभी पे है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही PR से की थी जब मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया था एज एन एम्प्लॉय। तो जो अभी मेरे पास जो केसेस हैं वो स्पेसिफिकली स्टडी वीजा के हैं, एक तो दो, और एक PR का केस है जो मैंने आपसे पहले भी कॉल पर डिस्कस किया था। तो जो स्टडी वीजा का केस है उसमें ऐसा एक कैंडिडेट है अम्बाला का ही है, और उसका केस ऐसा है कि वो यहाँ से चला गया था, कनाडा पहुंच गया था। अब कनाडा पहुंचने के बाद वहां पे इमिग्रेशन ने उसको वापस भेज दिया था। और थोड़ा सा ठहर के जरा ठहर जाए यहाँ पर थोड़ा सा। स्टडी वीजा मिल गया, एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट पे कुछ बातचीत हुई, वहां से उसको वापस भेज दिया। जी बिल्कुल। क्या क्या रीजन बोल के, क्या बता के, क्या क्या निकला उसमें, कुछ राज नए जैसे कुछ सांप से जो पिटारी में से कोई नया सांप निकला, वहां पे कोई नई जी बात पता लगी है, क्या हुआ? काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही था। अभी जो कैंडिडेट ने मुझे बताया था और जो उसने मुझे केप नोट्स दिए थे उसमें ऐसा मेंशन था कि कैंडिडेट वहां पे गया और जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे वो थोड़े डल थे, प्रॉपर स्कैन नहीं थे, प्रॉपर जो
प्रिंट आउट था वो नहीं था, और उसके बाद जब उन्होंने वहां सब पे उससे क्वेश्चंस किए तो वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने उससे उसका स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड पूछा, उसको वो याद नहीं था। और यॉर्कविले यूनिवर्सिटी जा रहा था वो कैंडिडेट, तो जब उन्होंने यॉर्कविले यूनिवर्सिटी कॉल किया तो कोई एना नाम की वहां पे होंगे कोई टीचर या कंसल्टेंट या रिसेप्शनिस्ट जो भी होंगे, उन्होंने कॉल उठाया और जब उन्होंने कैंडिडेट की डिटेल्स पूछे तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये बच्चा हमारा स्टूडेंट नहीं है। और बेसिकली वहां पे इमिग्रेशन सोचा कि ये बच्चा फ्रॉडस्टर है और उसको वापस भेज दिया। मेरे को कुछ लोगों ने बताया, मेरे पास ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को कुछ लोगों ने जैसे आप जैसे लोगों ने बताया पंजाब से कि कुछ कंसल्टेंट हैं, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ कंसल्टेंट हैं जो ऐसा करते हैं जो स्टडी वीज़ा का काम करते हैं और स्टूडेंट को ये भी नहीं बताते कि हमारा एडमिशन कहाँ हो रहा है, किस कोर्स में हो रहा है, पासपोर्ट ले लेते हैं और सारा अपना करके उसके बाद फिर वीज़ा फीस वगैरह सब ले लेते हैं, और जिस दिन फ्लाइट हो फ्लाइट से एक दिन पहले वो कहते हैं जी ये पकड़ अपना फोल्डर, इसमें सब कुछ है, तू एयरपोर्ट एयरपोर्ट तेरे को छोड़ दिया है, जो जो है सब, मतलब के स्टूडेंट को यही नहीं पता है टिल द लास्ट मोमेंट कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इंग्लिश वगैरह जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज मोर और लेस मैनिपुलेटेड फ्रॉम द एजेंट एंड कंसल्टेंट साइड। सो अल्टीमेटली अगर ऐसा ऐसा अगर इंसान अगर स्टूडेंट अगर कैनेडा पहुंचेगा और बीच में कहीं भी अगर उसकी कुछ ऐसी कुछ जानकारी ली जाएगी तो वो तो ब्लैंक होगा ही होगा। पर ये जो बात आपने जो रेस करी, ये क्योंकि एयरपोर्ट पे जब हम लोग पहुंचते हैं, चाहे आपके पास विजिटर वीजा हो, चाहे स्टडी वीजा हो, चाहे वर्क वीजा हो, चाहे इवन पीआर हो, तो थोड़ी बहुत आपकी आपका स्वागत तो होगा ही वहां पर कि आप कौन है भाई, कहाँ से आए हैं, क्या चक्कर है आपका, हाव भाव क्या है, आपके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, पसीना छूट रहा है आपके, क्या पढ़ने आए हैं, इंग्लिश के आप स्कोर करने वहां पर आए हैं, आपने बोला कि जी हमें फलाना पीजी डिप्लोमा कर लेना, ये करना वलाना करना, ए हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम, अगर इतने में उसके अगर पसीने छूट जाए तो फिर स्टूडेंट किस नाम काम का हो। तो अगर ऐसा अगर ऐसा होता है, अगर कोई भी बात अगर बीच में पूछी जाती है, और मैं तो हैरान हूँ कि अगर वहाँ पूछी गई, टिपिकली ये जो जहाँ से जैसे अगर आपकी फ्लाइट है दिल्ली से यूरोप, यूरोप से आप चढ़ते हैं तो पहले की उसी पहले सेक्टर में पूछी जानी चाहिए और पूछी जाती है, अगर अनलेस की डायरेक्ट फ्लाइट ना हो दिल्ली से टोरंटो की, तो अगर पूछते हैं और उनको लगता है कि ये बोनाफाइड नहीं है, बोनाफाइड मीन्स रियल जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, तो उनका हक है कि आपको धक्के देकर वहां से बाहर कहना भाई आप जाओ अपने अपने घर ही जाओ वहां पर। तो एनीवे आपके केस में वो वहां से वापस आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बहुत शॉकिंग बात है, जब मैंने भी सुनी तो मुझे खुद को बहुत शॉक लगा, मतलब एक बार मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके बाद उसके एजेंट ने उसके केप नोट सप्लाई करे, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, केप नोट अप्लाई करने गए, उस बंदे ने उसे बच्चे से 60,000 रुपया चार्ज किया। जस्ट होल्ड ऑन, मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी गया नहीं मेरे गले के अंदर, क्या आई एम सॉरी, केप नोट्स के, केप नोट्स के लिए 60,000 रुपीस? जी बिल्कुल 60,000, मैं सोच रही थी कि वो हम तो पहले सुनते थे, हम तो पहले सुनते थे कि वहां पर वो चंबल में डाकू होते थे, वो लूटते थे बंदूकों से, घोड़े पे चलते थे वो वहां पर, तो ये तो डकैती तो ऐसे खुलेआम हो रही है, अगर ऐसे 60,000 लेते रहे और अगर महीने में एक दो ऐसे क्लाइंट मुर्गे फंस गए तो अच्छी कमाई है, कैप्स भी कमाई हो जाएगी। मैंने उस कैंडिडेट को बताया कि तू गूगल पे चेक कर, $40 से $120 का है, वो भी डिपेंड करता है कि तू सर्विस कौन सी ले रहा है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, जैसे मेरे पास तो पूरे सिर्फ कैप्स नोज के लिए नहीं आते लोग, अगर आते हैं कि भी और क्या प्रॉब्लम है, देन वी गिव देम कंसल्टेशन एंड देन वी टेल देम एवरीथिंग, सो पार्ट ऑफ द पैकेज इज आई कैन इवन अप्लाई द कैप्स नोज फ्री फॉर देम, सो आई यू नो इट्स नॉट नॉट लाइकली कि हम अलग से करें, पर कॉस्ट उसकी $5 है। मजे की बात यह है हर्षिता कि मैं आप मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप मेरे फील्ड के हैं, मजे की बात यह है कि कई लोग जो कहते हैं कि कैप्स नोट अप्लाई करेंगे या कर रहे हैं, करना है वाला वगैरह, वो जब कैप्स नोट अगर वो खुद नहीं अप्लाई कर, क्योंकि अगर वो कैनेडियन सिटीजन नहीं है और अगर वो या तो वो फिजिकली कनाडा में नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे से करवाएंगे, शायद किसी का उनका कोई चक्कर कनेक्शन होगा, और कई बार वो कहते हैं कि जी आपका कर रहे हैं, जी कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, मैं लोगों को पूछता हूं कि अगर जिसने किया भी है तो उसको $5 की जो रिसीट है कम से कम वो तो ले लो, कम से कम उसमें आर नंबर लिखा होता है, कम से कम वो तो हाथ में ले लो, वो कहते हैं जी कर दिया जी, उन्होंने पता नहीं रसीद मिलेगी नहीं मिलेगी, वी डू नॉट नो, दैट मींस कभी कभी होता है कि ऐसे लारे ला दिए जी कर रहे हैं कर रहे हैं, और वो 3-4 महीने तक होता ही नहीं है, फिर वो कहते हैं जी डिले डिले चल रहा है वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी वो मात खा जाते हैं। एनीवे तो कैप्स उसमें क्या क्या निकला?
स्केप नोट्स में सेम ही चीज मेंशन उन्होंने की हुई थी, बट बहुत सी चीजें मैंने उसमें माइनर चीजें जो मुझे बच्चे ने भी बताई थी और जो मैंने खुद भी पढ़ी, केप नोट्स में कुछ चीजें अलग थी. अभी जैसे उन्होंने, उनको ऐसा लगा, उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने आई डोंट नो प्रेडिक्ट किया कि वो कैंडिडेट पढ़ने नहीं आया था, वो यहाँ पे काम करने आया था. तो केप नोट्स में एब्सोल्युटली ही चीज मेंशन है कि वो कैंडिडेट ने खुद ये चीज कबूली है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट हर्षिता, एक्चुअली मेरे को दुख होता है इस चीज का। मैंने इसके बारे में कई वीडियोस भी बनाए, और मैं, क्योंकि मैं दिल की बात सामने रखता हूँ, मैं छुपाता नहीं कुछ के, ताश के पत्ते के सामने खुले हैं मेरे पास। आई मीन पीपल कैन रीड माय माइंड ऑन दिस। क्या चक्कर है, जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं, 2 लाख स्टूडेंट प्लस जाते हैं इंडिया से हर एक साल, और इट्स ग्रोइंग नंबर। जितने भी जी स्टूडेंट जाते हैं, ये मैं समझता हूँ कि 99.9% ये स्टूडेंट है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट हमारी बात सुन रहे हैं, हो सकता है मेरे से इतफाक ना रखें, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग पीआर के धंधे में जा रहे हैं। पीआर लेना है, काम करना है, पंजाब में काम नहीं है, इंडिया में काम नहीं है, वहां जाएंगे 2 पैसे कमाएंगे और थोड़ा बहुत डॉलर होगा तो उसके उसके उससे हमारा वो भी मिलेगा, काम भी चलेगा और इनफैक्ट पीआर भी लग जाएगी। आपने देखा बिल्कुल होगा कि जितने भी इंडिया के जो टॉपर हैं, आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने देखा जी, कभी कनाडा आते हैं वो? बहुत रेयर है जिनका अच्छा उनका सैलरी पैकेज वो नहीं मतलब जाता. ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के, जब मैं उनसे पूछता हूँ, दिल्ली में वो बड़े बड़े एमएनसी में काम कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि अपनी तनख्वाह, किसी के तनख्वाह 2 लाख रुपए है, किसी की 2.5 लाख रुपए, किसी की 3 लाख रुपए पर मंथ है, वो कहते हैं हमें क्या करना कनाडा जाके। ऑफकोर्स दे हैव टू अप्लाई लीगली फॉर पीआर, दैट्स अ टोटल डिफरेंट बिल्कुल थिंग। पर वो स्टूडेंट, उन्होंने पढ़ाइयाँ वहीं करी हैं जो इंडिया का स्टैंडर्ड है, जो यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, और जहाँ भी IIT IIM जो स्पेशलाइज बने हैं, जो स्टैंडर्ड है, जिसको पढ़ाई करना है, जो सीरियस जेन्युइन स्टूडेंट है, वही वही पढ़ाई कर सकता है। और इनफैक्ट जो IIT के टॉपर वगैरह है, तो उनको तो वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, और डायरेक्टली हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में जाते हैं, वो पैसे खर्च करके ऐसे धक्के नहीं खाते पीजी डिप्लोमा में। तो जितने भी ये जो कनाडा की जो भीड़ चल रही है, जो भर भर के जा रहे हैं, इसमें से जेन्युइन स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं। और ये कनाडा की मजबूरी है, एक्चुअली कनाडा की मजबूरी है कि हमें स्टूडेंट लेना, क्योंकि स्टूडेंट लेंगे तो हमें कम से कम 18 से 20 हज़ार, 20 बिलियन डॉलर का हमारे पास वो नुकसान होने वाला है। कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें कि 30%, 40%, 50% स्टूडेंट बाहर से आए हैं। अगर यहाँ पर स्टूडेंट आना बंद कर दे तो दुकानें बंद हो जाएंगी, यहाँ पर प्रोफेसर बेरोजगार हो जाएंगे। तो पंजाब के, आप मान के चल रहे हैं कि पंजाब के जो खजाने से हमारी यहाँ रोजी रोटी चल रही है। बिल्कुल अभी राइट नाउ जैसे लोग काफी प्रमोट कर रहे हैं, बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं कनाडा में, लोग प्रमोट कर रहे हैं विदाउट आइल्स कनाडा जाएं, तो वो मुझे समझ नहीं आता कैसे भेजोगे आप. या इट्स जस्ट मोर और लेस, एक्चुअली दुनिया में ड्रामा ज़्यादा चलता है। क्या है कि इमिग्रेशन का शायद कुछ कंसल्टेंट ये सोचें कि जी ठीक है जी, हमें वीज़ा के बाद पैसे लेने हैं, ठीक है, आपका एक मार्केटिंग एक वो है, आप ले सकते हैं। और जो लॉयर्स हैं, जो कनाडा के लॉयर्स की बात करें, जो लॉयर्स हैं जिन्होंने पढ़ाइयाँ करी हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिटिगेशन करते हैं वगैरह करते हैं, वो कभी भी वीज़ा को, आउटकम को देख के पैसे चार्ज नहीं करते। वो चार्ज करते हैं अपने समय के अनुसार। डेट मीन्स कि अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री कराई या फलाना, जो उन्होंने देखता कि हमारे जी 10 घंटे लगने हैं, हमारे 15 घंटे लगते हैं, हमारे घंटे के हिसाब से हमारे जी इतने डॉलर बनते हैं, जैसे 200 डॉलर, 300, व्हाटएवर, सो इतने आपके बनते हैं हमारे, हम आपको चार्ज करेंगे अपनी जो जो एक्सपीरियंस के बेस पे, आपको जो एक्सपर्टीज दे रहे हैं, जो आपको टाइम दे रहे हैं, इसके बेस चार्ज करेंगे। वीजा लगे ना लगे, वी डोंट केयर, वी आर इन द बिजनेस, वी आर नॉट, वी डोंट हैव अ वीजा मशीन हियर कि वीजा प्रिंट कर करके ऐसे बांट दे जैसे यहाँ पर केले के पत्ते बांट रहे हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं है। तो हम चार्ज करते हैं टाइम के लिए और उसके लिए और करते हैं। लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट ऐसा सोचे कि जी हमारा तो धंधा ही है कि जी वीजा आपको शर्ती लगा के देंगे जी, और आपको जब वीजा मिल जाएगा तब पैसे लेंगे, वो तो फिर वो है कि मतलब दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ इमिग्रेशन प्रैक्टिस इन कैनेडा फॉर श्योर। तो उसमें क्या है कि डेफिनेटली कोई ना कोई क्लाइंट है जो उसमें आपको मतलब के जरूरी नहीं है कि वो सही कॉलेज जाए, जरूरी नहीं है कि सही कोर्स जाए, जरूरी नहीं है कि वो सही टर्म्स एंड कंडीशन में जाए। उनका पर्पस है कि हमने इतने पैसे दिए, वीजा हाथ में आ गया, वीजा लगाए, चल भाई मेरी जिंदगी का मोक्ष मिल गया, वीजा जा रहा हूं मैं कनाडा, और पढ़ाई में धक्के खाऊं नहीं खाऊं, वी डोंट केयर। एंड आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स हियर इन कनाडा ऑन दैट्स माय बिजनेस, आई सी देम एवरी डे। मोर देन 50% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम पंजाब इन कनाडा, दे आर स्टडिंग द रॉन्ग कोर्स एंड दे नेवर गेट द जॉब। कई जो है यहाँ पर जो ऑफिस की जॉब, ऑफिस के कंप्यूटर वगैरह और बिजनेस मैनेजमेंट ओवरऑल करते हैं, आके अल्टीमेटली 1 साल डिप्लोमा के बाद आके यहाँ पर कोई कोई बर्तन मांज रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खेतों पे काम कर रहा है,
तो मैं पूछता हूँ कि तुमने तो कंप्यूटर मीडिया डिजाइन पढ़ने आए थे जी, मीडिया डिजाइन की करना जी, ऐसी तो आ गए जी, ऐसे वीजा लेना सी बस। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक तरफ कंसल्टेंट को कमीशन मिलनी है, वहां से कमाइयां कर रहा है जैसे आपने कैप्स नोट्स का, और उसके उसके हिसाब से क्लाइंट का पर्पस है कि वीजा मिलके मेरे को बस फ्लाइट चढ़ा दो अभी से भाई, बस मेरा तो जिंदगी तर जाए। तो ये वो धंधा चल रहा है, इसमें एक्चुअली स्टूडेंट मारा जाता है, अगर स्टूडेंट अपने आप होमवर्क नहीं करता तो वो मारा जाएगा। एनीवे गो अहेड, उसके बाद क्या हुआ आशिता उसके क्लाइंट को? उसके बाद मैंने उसको राइट नाउ मेन इशू ये है, मुझे जो मैंने अभी तक जितना स्टडी किया, क्योंकि मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं इन चीज़ों को पढ़ती रहती हूँ, तो मैं साथ साथ में मैंने जितना अभी राइट नाउ तक पढ़ा, ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ कंप्लीट केस की, तो बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि है इस केस के अंदर। बट बेसिकली प्रॉपरली मैंने जो उस कैंडिडेट को समझाया वो मैंने यही बोला कि मिस रिप्रेजेंटेशन करके हम लोग केस फाइल कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि उसके जब वो वापस आ गया केप नोट सप्लाई कर दिए, उसके बाद दोबारा उसके कंसल्टेंट ने उसकी फाइल लगाई थी और वो फिर से रिफ्यूज हुई थी। तो अभी एक सेकेंड, अभी किसी समझदार ने उसको सलाह दी है कि अभी तुम्हारा कनाडा तो रिफ्यूज हो गया, तो कनाडा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वीजा आएगा तो तुम ना ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लो, अभी आपको एक कंट्री ऑलरेडी आपको वो इनजेन्युइन समझ के, इमिग्रेंट समझ के आपको ऑलरेडी अपनी कंट्री से बाहर कर चुकी है, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री कैसे वीजा लेगी? या यू आर राइट, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया वाले जो ये पांच आईज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब कनाडा से जुड़े हुए हैं, और इमिग्रेशन का जब वो आप कभी आपने बायोमेट्रिक किया हो कैप्सोन पे देख लेना, उस पर आता है नॉन रिपोर्टेबल ट्रेस, तो आपके नाम से डेट ऑफ बर्थ से वो सारे पांचों कंट्रीज के डेटाबेस क्लिक से चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको चक्कर तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी वीजा देगा नहीं इसको, क्योंकि अगर कनाडा ने इसको मान लिया कि जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया से भी बाय बाय है, ये तो छोटी मोटी कंट्री जा सकता है इसके इन पांचों कंट्री के अलावा, और मेरे को लगता नहीं है। जैसे आपने मिसरेप्रेजेंटेशन की बात करी, तो इसमें मिसरेप का केस नहीं लगेगा अभी, क्योंकि अगर मिसरेप का केस तो ये होता है कि अगर किसी ने झूठ बोला है और कोई जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं वगैरह, तो वो मिसरेप का वो दैट डिपेंड्स ऑन द वीजा के आपको सेक्शन 40 में चार्ज करें या ना करें, दैट डिपेंड्स। पर हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर असली थे लेकिन आपकी इंटेंशन जो भी स्टूडेंट नहीं थी, तो आपको बोनाफाइड करके उन्होंने मना कर दिया, तो आप समझे कि चाहे तो आप एयरपोर्ट से आपको भेज दिया, आप ये मना कर देंगे, तो कनाडा का तो सपना वो अभी फिलहाल भूल ही जाए। अगर कोई और छोटी मोटी कंट्री जाना है जा सकते हैं, बाकी यू नो आई ऑलवेज टेल देम, यू नो आई हैव ऑलवेज हैव द बेस्ट विशेस ऑफ ऑल क्लाइंट्स इन माय लाइफ, आई ऑलवेज टेल देम, यू नो करना क्या, तो मैं धक्के खा के कहना यहीं पर तू काम कर ले, अगर तेरे को यहाँ पर तेरे को अगर पंजाब में अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो भाई पंजाब ही दुनिया है क्या, गो टू न्यू दिल्ली, गो टू चेन्नई, गो टू बैंगलोर, गो टू समवेयर एल्स एंड यू नो सेट अप योर करियर। दुनिया भर में जितने लोग हैं जो पंजाब के बाहर रह रहे हैं वो क्या जिंदा नहीं है, उनके पास काम नहीं है क्या? अगर आपको कुछ करना है, मन में कुछ जज्बा है कुछ काम करने का, तो यहीं पर कर लो, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे 3-4 साल बाद जब भी कुछ होगा, तब यू नो यू कैन री इवैल्यूएट योर ओन प्लान के कनाडा जाना नहीं जाना। बिल्कुल, अभी राइट नाउ मैं आपको वो बता रही थी लाइक विदाउट आइल्स लोग प्रमोट कर रहे हैं कि वीजाज आ रहे हैं, तो मुझे किसी कैंडिडेट ने कॉल किया कि मैम एक कंसल्टेंट है वो बोल रहा है कि विदाउट आइल्स वीजाज आ रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि भाई मुझे एक बात बता, एम्बेसीज ओपन नहीं है, VFS ओपन नहीं है, वीजा कैसे आ रहा है? अभी तो जस्ट AIPs मिल रहे हैं, ऑनलाइन अप्रूवल्स मिल रहे हैं, और विदाउट आइल्स तो कनाडा एक इंग्लिश कंट्री है, विदाउट आइल्स तो पॉसिबिलिटीज ही बहुत कम है, सिर्फ एक केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी मैंने सुना है जो विदाउट आइल्स आपको एडमिशन देता है, सिर्फ एडमिशन देता है, वो भी उसका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। और ऊपर से अभी राइट नाउ मैं जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक चला रही हूँ, तो मैंने वहां देखा कुछ इमिग्रेशन हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो लोग प्रमोट कर रहे हैं ओवरऑल 5.5, नॉट लेस देन 5 पे कनाडा का वीजा लें, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, आई डोंट नो लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं। आई हैव नो कनेक्शन विद देम एंड आई एम नॉट अ आई यू नो आई कैन टेल यू ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी यू नो the right person to answer this question कि वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और वीजा आएगा नहीं आएगा, आदि बातें तो because it's not based on any evidence. कई लोग जो कहते हैं वीजा आ गया, उनसे मैं बोलता हूँ कि कोई कागज दिखाओ, कहते हैं कागज सारे को है ही नहीं, कागज है ही नहीं बिल्कुल, या वीजा नहीं है कुछ है, तो वीजा आया नहीं आया वी हैव नो आइडिया। पर हाँ, IELTS के बगैर, लैंग्वेज के बगैर वीजा
आया नहीं आया, आई डू नॉट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग अनलेस वी हैव सम पेपर वर्क इन फ्रंट ऑफ अस. और इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टूडेंट प्रोफाइल, कौन से कोर्स में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, उसमें इंग्लिश की कितना कंपोनेंट है कि नहीं है, इट ऑल इट्स अ ओवरऑल पिक्चर. बाकी एट द एंड ऑफ द डे जितने भी ये इसका एजेंटी का काम है या कंसल्टेंट्स का काम है, स्टडी वीजा कंसल्टेंट और जो कुछ करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ बिजनेस. ये दुकानदारी है और दुकानदारी में आपको अपना सामान को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा. अच्छी अच्छी बातें कहेंगे तभी और ग्राहक खिंचा चलाएगा. अगर अगर मैं अपनी दुकान में यही कह दूँ कि जी हमारे यहाँ तो कोई वीजे लगते ही नहीं है, जी हमारे तो सारे रिफ्यूज हो गए, तो कौन कौन सा ग्राहक आएगा फिर? तो आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, कोई मिठाई की दुकान हो, कोई कपड़ों की दुकान हो, जो बेस्ट जो चीज है उसको हम ऐसे डिस्प्ले करते हैं जिससे कि आदमी खिंचा चलाए. एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट बिजनेस, मार्केटिंग एंड सेल्स जनरेशन, दैट इज ऑल इट इज. कई बार मैं आपको बता दूं, लोग शायद सुन रहे हैं मेरी बात तो शायद उसमें उसको फील करेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे से भी केस रिफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे केस मेरे भी पास होंगे, मेरे भी केस रिफ्यूज होते हैं. लेकिन मैं उन अगर क्लाइंट्स को कहता हूं कि भाई अगर आप आओ मेरे साथ और स्काइप पे पब्लिकली बताओ कि आपके केस में क्या हुआ, तो लोग कहते हैं नहीं जी अभी यू नो दे डोंट वांट टू बी डिस्कसिंग केस, बट आई हैव नो प्रॉब्लम. यू नो अगर मेरे को पता है कि केस रिफ्यूज हुआ, एक्चुअली लॉयर्स वगैरह तो रिफ्यूज नहीं करते ऑफ कोर्स, यू नो अगर केस में जान अगर नहीं हो है, कुछ बात है, कुछ है, आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स, बट वी डोंट हैव मच टाइम राइट नाउ टू गिव सम सर्टेन केस स्पेसिफिक एग्जांपल. बट you know, typically any lawyer or any consultant would not like to display a negative client experience on the YouTube or somewhere, so that you know people get a negative. Par mere ko aisi koi dar nahi hai, main kyunki main to pyar karta hu uske immigration law se, visa lage na lage it is hardly of any of my concern. Yes, for client I will apply second time, I will appeal it third time, I will keep going as far as it can go. But hey, if somebody wants to discuss, I welcome people who are refused, and they, you know, because I want to bring out the nuances of the immigration laws. Mein kya cheez thi, kya nahi nikli, kya funds kaise judge hue usme, shaadi aapki jo interpret kari wo shaadi ko genuine kyun nahi aise interpret kiya, jaise koi business case lagata hai to business case mein aapka business plan kyun unhone mana kar diya, is tarah ki baaton se mere ko लगाव है, मेरे को प्यार है कि आप आके इस पे करें जिससे कि और दुनिया को भी मालूम पड़े. लेकिन जैसे दुकानदारी का जो फलसफा है उसमें अगर हम नेगेटिव बातें ही कहते रहेंगे तो आगे क्लाइंट नहीं आएगा. लेकिन यू नो आई पर्सनली डोंट केयर, हम मेरे पास तो कोई भी आ जाए, आई मेरा अपना क्लाइंट ही आ जाए अगर रिफ्यूज है तो आई ऑलवेज वेलकम देम हैव अ गुड डिस्कशन ऑन ऑन पब्लिक फोरम. अभी राइट नाउ ऐसा है कि जब मैंने अपना लास्ट ईयर काम शुरू किया था तब मैं B2B भी थोड़ा काम कर रही थी, दूसरे कंसल्टेंट्स के बिहाफ पे फाइलिंग्स कर रही थी. तो ये थोड़ी आपको भी थोड़ी सी शॉकिंग लगेगी बात, एक कंसल्टेंट है, खुद कंसल्टेंट है, अभी मैं बताऊंगी नहीं कहाँ से है, क्या नाम है, कुछ नहीं मैं बताऊंगी, मैंने नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को नाम से खुद एक कंसल्टेंट है सर. और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हर्षिता वीजा लगवाना है. मैंने कहा ठीक है आप बताएं किसका, तो उन्होंने बोला कि मुझे खुद का ही वीजा लगवाना है. मैंने कहा ठीक है आप मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए. ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वो इंसान खुद वीजा कंसल्टेंट है, अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका, बट उनका खुद एक US रिफ्यूजल और 3 कैनेडा रिफ्यूजल. ये तो बात ऐसी हुई कि डॉक्टर जो डॉक्टरी को दोनों दुनिया को दवाई दे रहा है वो खुद बीमार बैठा है, उसका रहा हमारी दवाई तो काम नहीं हो रही, लेकिन तुम ट्राई करते रहो, तुम एक्सपेरिमेंट करते रहो. और फिर चले उनका भगवान की दया से वीजा आ गया था इस साल स्टार्टिंग में जनवरी 15 को. तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि उनको आई डोंट नो क्या सोच के कि आप एक बार मेरा फेसबुक पेज देखें, आज तक मेरा कोई वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ, बट पता नहीं क्यों मुझसे मेरा ही वीजा नहीं लगा. तो वहाँ समटाइम्स में शॉक होती हूँ कि लोगों को जब नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी आई डोंट नो लोग औरों को कैसे गाइड करेंगे. But I like to give credit to him for because he may deserve some credit here. देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर जो दूसरे को ठीक करता हो वो पूर्ण रूप से वो भी स्वस्थ हो, ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है कि डॉक्टर को कुछ और बीमारी हो लेकिन वो जिसका इलाज कर रहा है वो किसी दूसरे बीमारी का इलाज कर रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन जो जैसे क्लाइंट उसके पास आते हैं उनके वीजे लगते हैं, दैट्स फाइन. लेकिन हो सकता है कि उन कंसल्टेंट की कोई बीमारी ही कुछ अजीब तरह की हो, कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो, कोई पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री, पुरानी इमिग्रेशन हिस्ट्री, पुरानी वीकनेस हो, तो उनसे ठीक नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन दूसरे क्लाइंट्स के ठीक हो रही है. सो आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू नो टू
too much negative credit to him. It is also possible ke bahuton ke hain jo in fact actually maine ek kahawat bhi apne usme kahi Facebook pe page pe kahi dali thi ke jo insaan dusre ko advice deta hai wo advice wahi achhi de sakta hai kyunki usne us tarah ki problems jheli hui hain. Exactly, sir. जब तक वो इंसान उस मुकाम से नहीं गुजरा हुआ है, उस चीज को उसने नहीं फेस किया है, तो वो दूसरों को कैसे एडवाइस देगा? इमिग्रेशन लॉ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कई लोग जो हैं कैनेडियंस गोरे लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हैं जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई कर करके इमिग्रेशन लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं, मतलब उनकी बुकिश क्योंकि उन्होंने तो कभी इमिग्रेशन करी नहीं है. ऑन द अदर हैंड जो बाहर से लोग आए जैसे इंडियन है चाइनीज हैं वो उस प्रोसेस से गुजर के आए हैं तो उस प्रोसेस के स्टेजेस से वो वाकिफ है, उन्हें पता है कि क्या क्या होता है. और कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे इंडिया से चले हैं जो डोंकी पे चले हैं, कहीं वीजा गलत है, कहीं पासपोर्ट कहीं है, किसी कंट्री से धक्के खाते करते 20-25 साल में कनाडा पहुंचे हैं तो उनको सारी स्टेजेस पता है कि कैसे लोग धक्के खा के पहुंचते हैं. तो उनसे बढ़िया एडवाइजर कौन हो सकता है? जिस आदमी ने खुद ही इस चीज को झेला हुआ है उससे बढ़िया एडवाइजर कौन हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता है जो क्लास में बैठ के जो इमिग्रेशन लॉ पढ़ता है, जो किताब देख के पढ़ेगा. तो ऑफकोर्स इट इज ऑलवेज पॉसिबल के जो एडवाइजर है उसका एडवाइस देने का बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन उसका जो अपना बैकग्राउंड है उसके लिए सूटेबल नहीं है तो वो अपने पर्सनली कामयाब नहीं हो सकता फॉर वीजा. दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग. जी बिल्कुल. अभी मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे रिगार्डिंग ये जो अभी यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इसके मतलब पॉसिबिलिटीज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे क्योंकि कनाडा में जॉब लेना आपको पता है कितना मुश्किल है, इट्स नॉट इजी. तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ आपसे कि जितने भी ये सब पायलट प्रोग्राम है ये सब बेस्ड ऑन जॉब सर्च होते हैं. जॉब सर्च मतलब जॉब आपको मिलती है, कोई आपको सपोर्ट करता है उसके लिए होते हैं. तो अब वो किसी को सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, इट ऑल दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कि कौन आपको जॉब देगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह. तो मैं इस चक्कर में ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में है नहीं है. लेकिन अगर किसी का क्या होता है कि जस्ट इमेजिन कि शायद कोई पुराना कोई स्टूडेंट वहाँ पहुँच गया हो पढ़ रहा हो क्योंकि वहाँ आप एक दो साल से रहते हो, आपका कोई जुगाड़ सुख और जुगाड़ और दोस्ती वगैरह बन जाती है तो वो कहता है कि ठीक है जी हमें जॉब चाहिए इसके लिए जी हम करवा देंगे, अपने दोस्त को भेज दें समथिंग, इस तरह से जुगाड़ निकलते हैं. तो अगर कोई कंसल्टेंट, मेरे को गुस्सा उस पर आता है कि जो कंसल्टेंट वहाँ रहता भी नहीं है और वहाँ पर दूसरे क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बना रहे कि जी आप इतने पैसे दो हम करवा देंगे, वो होता नहीं है और उससे लोग झांसे में आ जाते हैं. बहुत सारे लोग हैं ऐसे सर, 25-30 लाख चार्ज करते हैं कि हम आपको जॉब ऑफर लेटर मंगवा कर देंगे. लाइक आपको पता है ब्रिटिश कोलंबिया में PNP लगाते हैं तो वहाँ ऑफर लेटर रिक्वायर्ड है, तो वो बोलते हैं कि हम आपको ब्रिटिश कोलंबिया में PNP फाइल करेंगे, आप 25-30 लाख रुपए हम आपसे चार्ज करेंगे ऑफर लेटर के लिए. This is all nonsensical because as you see some of my videos, I get so many calls on a daily basis. People are getting all those job offers, so-called job offers, but they don't turn out true in any way. Second thing is if you want to target something like British Columbia, अगर जो BC में आज जो workers अभी बैठे हैं जो वहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं और कोई छोटे मोटे काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी गाथा सुन लो, उनकी अगर जो दिमाग की जो परेशानी है, उनके जो किस चक्कर में है घूम रहे हैं, क्या कैसे कैसे धक्के खा रहे हैं, अगर आप उनसे उनका अगर देख लोगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी. लेकिन वो आते नहीं है सामने, मतलब लोग मेरे को कॉल करेंगे और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप आ जाओ पब्लिक, कह रहे नहीं पब्लिकली बताना नहीं, मेरे घर वाले देख लेंगे तो वो रोएंगे, मेरे पड़ोसी कहेंगे अरे ये पागल वही है जो कर गया, सब दुनिया में मतलब ऐसे खराब बुरा भला कहेगी, तो वो आके डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, इसलिए वो सब अंदर दबे रहते हैं छुपे रहते हैं. लेकिन जो लोग कहते हैं कि जी हमें BC में से जी वहाँ पर वो खेतों में काम करने से LMI मिल गया, तो मैंने उनसे पूछा कि तेरे को कोई भी एक आदमी पता है जो अभी काम कर रहा है BC में, अभी खेतों में कोई काम कर रहा है? किसी एक आदमी का मेरे को पता बता दे और उससे मैं बात करके तुम्हारी बात करता हूँ, उससे देखो तो कि भाई तुम्हें भी उसी नर्क में जाना है जिसमें वो ऑलरेडी बैठा है कि यू हैव सम बेटर ऑप्शन. तो या सो रियलिटी इज समथिंग एल्स, दुनिया में ऑलवेज रियलिटी इज दिखता कुछ और है, नीचे कुछ और निकलता है. ऑफ कोर्स जब आप उसके अंदर एंटर करते हो तब देन यू कम टू नो, एंड बाय टाइम इट माइट बी टू लेट. आई मीन लॉट ऑफ पीपल हु हैव पेड मनी, अगर वो आके फंस गए, उनके अगर 25-30 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, जो आके फंस जाते हैं ना वो वापस जा सकते हैं ना वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो वहीं पर वो बीच में वो अंधकूप में वैसे ही गोते खाते रहते हैं कुछ सालों तक ऐसे, अनलेस कोई और कोई करिश्मा ना हो जाए.
अभी एक और प्रोफाइल है, इस कैंडिडेट के साथ ऐसा है कि बहुत फेमस कंसल्टेंसी है एक, अमृतसर में ना, उन्होंने इसका केस लिया था। ओवरऑल 5.5 इस कैंडिडेट के मार्क्स थे और उन्होंने इसका केस फाइल किया था 2019 दिसंबर में, इसका रिफ्यूजल आया, अभी रिसेंट है। कौन सा अभी वीजा था? इस सर स्टडी वीजा था। स्टडी वीजा, वीजा, ओके। हाँ जी, इशू एक्चुअली इसके प्रोफाइल में ये है कि इसके किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड से कैंडिडेट है और किसी भी उसके सब्जेक्ट में मार्क्स 50 से ऊपर है ही नहीं किसी में, एक आधे सब्जेक्ट 55 से में भी होंगे बट नहीं है। और ओवरऑल 5.5 पे इसका केस फाइल किया था। 2018 कैंडिडेट, सॉरी 17 पास आउट कैंडिडेट है, इसका बीच में गैप है। तो जब भी इसके कंसल्टेंट ने इसका केस फाइल किया था, इस कैंडिडेट का जो गैप जस्टिफिकेशन था वो नहीं डाला था उस टाइम पे, और अभी इसका केस रिफ्यूज हो गया है। तो अभी राइट नाउ इस केस में किस तरह से आपको लगता है कि काम करना चाहिए यहाँ तो नहीं, या तो किया? जनता जनता ही बहुत बड़ी है, तो वो उनको उस कंसल्टेंट को भेजो ना जो कहते हैं कि गारंटी जी आप गैप है कोई बात नहीं, हम वीजा लगवा देंगे, पैसे वीजा के बाद देंगे। उन एजेंट के पास जाना चाहिए, वहां क्यों नहीं जाते हैं लोग? आई डोंट नो सर, आपको पता ही है इसमें भी कितना झोला है। बोलते हैं आफ्टर वीजा पैसे देना, अगर बच्चे का प्रोफाइल अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स वीजा आ जाएगा, प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा तो रिफ्यूजल आ जाएगी, वो उसको पूछते नहीं। कौन सा इंसान है जो अपने रिफ्यूजल्स प्रमोट करता है? या वही जो हम पहले बात कर रहे थे, जी तो ये चक्कर पता क्या चक्कर है, देखो ये यू नो एवरी पर्सन इज नॉट अ स्टूडेंट, लेट मी जस्ट बी फ्रैंक अबाउट इट। आई मीन अगर मेरे को बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो मैं हर एक की फाइल ले लूँ जी, ये कर लो जी, ठीक है जी, आपको लगवा देंगे, तो काय लग गया जी, 10 में से एक का लग गया जी, पैसे कमा लिए। दिस इज नॉट अ राइट थिंग, राइट कॉन्शियस थिंग टू डू। एवरीबडी इज नॉट अ स्टूडेंट, हम जो स्टूडेंट भी नहीं है, आप कल को जो रिक्शे वाले घूम रहे हैं उसको भी हम स्टूडेंट बना दे जी, कि जी तेरा बिल्कुल गैप है जी, तेरा भी इंग्लिश शो कर दे जी, 5 या वट एवर, यू नो यू हैव टू वी हैव टू पिक समथिंग, कि भाई आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, अगर स्टूडेंट हो तब ठीक है, नहीं है तो यू नो डू समथिंग एल्स। इट्स इज वेरी यू नो स्टूपिड एंड इलॉजिकल टू मेक एवरीबडी अ स्टूडेंट, कीप गैप कर दें। गैप का मेरे को अभी तक सिस्टम का, अभी तक मेरे को उसका जो उसकी थ्योरी समझ में नहीं आती गैप की, क्या है कि अगर मैंने 5 साल कुछ नहीं किया, 6 साल कुछ नहीं किया, तो आप कुछ दिखा दो जी, हम यहाँ काम कर रहे थे जी, तैयारी कर रहे थे जी, हमने कुछ और कर रहे थे, हम जो उसके कनाडा जाने के लिए हम ये पढ़ रहे थे जी, पार्ट टाइम वगैरह जो कर रहे थे, वो सब ये ड्रामाबाजी है, इट्स नॉट थिंग। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो बिल्कुल जेन्युइन जो रेगुलेशन 4 का, जो नॉट रेगुलेशन 4, जो 216 का, जो एक जेन्युइन बोनाफाइड स्टूडेंट के, वो कुछ और है। स्टूडेंट तो वो है जिसके पास अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी इंग्लिश है, उसका एक करियर प्लान है, उसका उससे फ़ायदा होने वाला है, उसके पास फंड्स है, वो है जेन्युइन स्टूडेंट। हर एक इंसान स्टूडेंट नहीं हो सकता। सो आई 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 डोंट एनकरेज दिस पॉलिसी ऑन के हर एक को स्टूडेंट बना के आप भेज दो और किसी न किसी का तो वीज़ा लग ही जाएगा, विच इज़ आई आई डोंट पर्सनली एंडोर्स दैट पॉलिसी। समझ रही हूँ आपकी बात, ठीक पीछे फिलहाल कुत्तों के पीछे लिए पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज आ रही है कुत्तों की? तो बाहर है। अच्छा अच्छा नहीं, आपको मेरे को आवाज आ रही है यहाँ से। पता है वैसे भी यहाँ तो चलता रहता या है। तो फिलहाल के लिए तो सर यही क्वेश्चंस थे मेरे, बाकी इन फ्यूचर मुझे कोई क्वेरी होगी तो मैं जरूर आपके साथ कनेक्ट होंगी। मेरा मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट ज्यादा ज्यादा जो इमिग्रेशन लॉ में ज्यादा, ऑफ कोर्स आई डू स्पाउस वीजा लॉट, पर आजकल जी थोड़ा सा कोविड करके वो उन्होंने वो चल रहा है बीएफएस की प्रॉब्लम जो भी कुछ है। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट दो तीन बातों पे है, और आपको और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनके भी नोटिस आ जाएगा। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा लोग है उनका है जिनका जिनकी डिपोर्टेशन लगी है, जैसे कनाडा में कुछ लोग आते हैं और फ़र्ज़ करो कनाडा में वो शराब पी के गाड़ी चला रहे हों या किसी ने कोई असॉल्ट कर दिया, बहुत लोग हैं ऐसे, खून खराबा हो जाता है, पंजाब के लोगों में गर्मी ज़्यादा होती है ऐसी, वो भिड़ जाते हैं और किसी ने को मारा, एक हाथ पाई तो गैस हो गया, तो उनको उठा के फिर उसका डिटेंशन के बाद उठा के आपको डिपोर्ट कर देंगे। सो डिपोर्टेशन केसेस है जहाँ पर आपको या तो अमेरिका से या कैनेडा से आपको धक्का देके बाहर निकाल दिया, अब वो बैठे हैं, उनका मन नहीं लग रहा पंजाब में, वो कहते हैं जी हमें तो जाना ही है, दैट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑल केसेस, ऐसे केसेस मैं लेना पसंद करता हूँ, दैट्स नंबर वन। दूसरा जी दूसरे केसेस मैं हमेशा लेना पसंद करता हूँ वो हैं शादी वाले केसेस। शादी वाले केसेस में क्या है कि जब आपकी शादी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, रिलेशनशिप हिस्ट्री नहीं है, कोई हनीमून नहीं है, कोई कोहैबिटेशन नहीं है, कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है, कोई जॉइंट एक्टिविटी नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, पंजाब से भाग के शादी कहीं कर ली, मतलब कि शादी के जितने भी जो
जो हॉलमार्क्स होते हैं शादी के, जो टिपिकल जो होते हैं सिम्बोलिज्म के है, वो कुछ भी नहीं है उस केस में। आप शादी के बेस पे अगर आप स्पाउस वीजा करते हो या पीआर स्पॉन्सरशिप करते हो, तो मान के चलो कि आपका इंटरव्यू भी आएगा और इंटरव्यू में आपको वैसे ही आपको धराशायी करके उठा के बाहर बाहर फेंक देंगे। तो वो वैसे वैसे केसेस मैं पसंद करता हूँ उसमें उसमें कुछ करने का। और तीसरा केस, तीसरे तरह के केसेस मैं और भी पसंद करता हूँ जो हैं रेफ्यूजी केसेस। मैं आपको थोड़ा रेफ्यूजी के बारे में थोड़ा सा दो मिनट लेके बता दूँ कि रेफ्यूजी दो तीन तरीके से रेफ्यूजी लोग आते हैं कनाडा में। कि एक तो आपके पास अगर कोई वीज़ा है, आप डायरेक्टली कनाडा पहुंच जाओगे, चाहे आप वीज़ा के बगैर आओ चाहे वीज़ा लेकर आओ, और उसके बाद आप रेफ्यूजी कर सकते हो, तो एक वो है। दूसरे रेफ्यूजी वो हैं जैसे कि दूसरी कंट्री से आते हैं, जैसे कुछ अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, कश्मीर से, अभी वहाँ से आपके जो रोहिंगा मुस्लिम्स वगैरह हैं जो बर्मा वर्मा से आ रहे हैं, वो आके बॉर्डर पर एंटर कर रहे हैं। तो इन इन लोगों के लिए कोई सहारा नहीं है कहीं पर भी, कोई इनका इनका वो सहारा बनने को तैयार नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको जैसे इंडिया में आते हैं तो या तो इंडिया की गवर्नमेंट इनको पनाह दे, इनको इसको कहते हैं रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन, इनको रेफ्यूजी क्लास करके इनको यहाँ रखे, या तो ये यूनाइटेड नेशंस जाते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, उस वक्त मैं दिल्ली में था 2 साल पहले, अफगानिस्तान से आए थे, तो उनको लेके मैं यूनाइटेड नेशंस दफ्तर है दिल्ली में, वसंत विहार में दफ्तर है, तो वहाँ पर लेके जाते हैं हम उनको। वहाँ पर जाके उनका एक इंटरव्यू होता है, इट इज़ अ lengthy process, it takes 3 to 4 months, it's not one day. तो वहाँ पर इनका इंटरव्यू होता है, वहाँ पर इंटरव्यू में अगर उनके उनको अगर वो डिसाइड होता है कि इनको वाकई प्रोसिक्यूशन हो रही है बेस्ड ऑन रिलीजन, ग्रेस, क्रीड एंड देयर आर 6 factors, अगर इनको कोई प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो यूएन कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपको एक मान्यता देते हैं कि आप रेफ्यूजी हैं, और आपको एक कार्ड देते हैं, कार्ड, एक आईडी कार्ड देते हैं कि आप रेफ्यूजी बन गए, तब उनकी लॉटरी खुलती है। उसके बाद क्या होता है, वो डिपेंडिंग ऑन के वो कहाँ जाना चाहते हैं, तो एम्बेसियों में हम इसको रजिस्टर कराते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, स्वीडन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, इनके सारे कोटा हैं, और भी कंट्रीज के, वेस्टर्न कंट्रीज लेते हैं, गरीब कंट्रीज में नहीं जाना चाहते कोई, कोई नहीं कह भाई हम नेपाल जाना चाहते हैं, दे ऑल वॉन्ट टू गो टू रिच कंट्रीज ऑफकोर्स। तो वहाँ पर इनकी एक लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग कराते हैं बेस्ड ऑन द कोटा, जैसे कनाडा का जो कोटा है, हमारा जो एक जो ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट क्लास, ओवरसीज क्लास का कोटा होता है, विच आई डोंट नो आजकल कितना चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, उस कोटे में इनका नाम अगर आ गया तो उनको सीधे सीधे उनको कैनेडियन गवर्नमेंट खींच के अपने खर्चे पे उठा के उनको पीआर के लिए भेज देती है। तो एक वो तरीका है, इट कैन हैपन अमेरिका ऑल्सो, इट कैन हैपन स्वीडन, और जब उन्हें किसी का रिश्तेदार है तो वहाँ पर, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और है, जैसे कैनेडा का मैं बता दूँ, जैसे अगर यहाँ पर अगर कोई रेफ्यूजी वहाँ बना हुआ है और यहाँ पर उनके अगर कोई 5 स्पॉन्सर है, 5 लोग हैं जैसे परिवार के लोग हैं, अगर उनको स्पॉन्सर करके, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट स्पॉन्सरशिप, इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ 5, यू कैन चेक आउट ऑन गूगल, तो उसके बेस पे उसको लाते हैं। तो इस तरह के 3 केसेस मेरे बड़े दिल के करीब हैं, और इस तरह के केसेस करता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि इस तरह के केसेस में जल्दी से जल्दी कोई कंसल्टेंट हाथ डालता नहीं है, क्योंकि कहता है इसमें लोचा बहुत है, पैसा कैसे होगा, कमाई कैसे होगी, लंबा है, फलाना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं क्विक मनी। पर इस तरह के केसेस में थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म एक चलता है, मिनिमम 6 मंथ तो लगने हैं, 6 मंथ्स और मे बी इवन मोर। तो इस तरह के मैं केसेस में मेरा इंटरेस्ट जरूर है। और कई लोग मेरे को ये भी कहते हैं कि आप आओ जी पंजाब में ऑफिस खोलो, फलाना खोलो, दिल्ली में आपका ऑफिस कहाँ है। मैंने कहा ऑफिस तो मैं खोल भी सकता हूँ और खोल भी लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं रिलायबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में आके, वहाँ पर वो खोलो, ये करो, वहाँ करो, और वहाँ पर क्योंकि हमेशा तो हम रह नहीं सकते वहाँ पर, और उसके बाद जब जाते हैं तो पीछे से क्या हो जाए, कुछ हो जाए, सो वी डू नॉट नो। पर व्हेनेवर आई एम देयर एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दीस काइंड ऑफ क्लाइंट्स प्राइमरली, ऑफ कोर्स आई डू कंसल्टेशन फॉर अदर क्लाइंट्स एज वेल, पर अगर किसी की अगर बांह पकड़नी है, किसी का हाथ पकड़ के उसको डूबते से निकालना है, तो इस तरह के केसेस में मैं, मेरा इंटरेस्ट भी है, प्रोफेशन भी है, और यू नो आई हैव ट्रैक रिकॉर्ड आल्सो कि ऐसे मैंने किया हुआ है। सॉरी, एक और क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया, आपको भी पता होगा रेड सील प्रोग्राम है कनाडा के अंदर, sure. जो स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए है, sure. तो उसके बारे में कुछ आइडिया आप मुझे बताएं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जिनका आपको एग्जामिनेशन देना होता है, और लास्ट ईयर में 2 draws कैनेडियन इमिग्रेशन ने गिराए थे, 283 258 समथिंग आए थे, वो स्पेसिफिकली रेड सील के लिए ही थे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा उसका संक्षेप में, उसका समरी में बता देता हूँ, बाकी इसके बारे में मैंने वीडियोस भी 3-4 बनाए हुए हैं, तो मैं इसको मैं लिंक दे दूँगा।
हाँ, इसके बारे में चक्कर ये क्या है कि जितने भी ये जो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, इसको लाइसेंस ऑक्यूपेशन, रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस कहते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, अगर मेरे को अपने घर में प्लम्बर बुलाना है, ऐसा नहीं कोई ऐरा गैरा आ जाएगा, मतलब कि उसके पास एक लाइसेंस होगा, एक सर्टिफिकेशन होगा, तभी वो आएगा। इसको हम जर्नी मैन कहते हैं, अल्बर्टा में जर्नी मैन, आई डोंट नो कि प्रोविंस, हर एक प्रोविंस में थोड़ा थोड़ा इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है। जो मैं बता रहा हूँ वो अल्बर्टा का बता रहा हूँ। तो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं, और उस पर आप गूगल में जाकर चेक कर लो कि रेगुलेटेड ऑक्यूपेशन। जैसे मैं तीन चार बता दूँ, जैसे प्लम्बर है, ऑटोमोटिव मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, क्रेन ऑपरेटर वाला है, इस तरह के हैं। तो इनको काम करने के लिए, अगर आप बोले जी मैं इंडिया में, जी 10 साल से मैं दुबई में, 10 साल से इलेक्ट्रिशियन था जी, मेरे को लगा दो जी, जॉब लगा दो, कह रहे नहीं, आप पहले एग्जाम दो मेरा, हमारा जो एग्जाम है, प्रोविंस का एग्जाम है हमारा, उसका एग्जाम दो। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 5 साल का, 6 साल का, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन, अगर आपके पास मिनिमम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप उसको एक्सपीरियंस को जमा करो, उनकी प्रोफाइल बना के उनकी वेबसाइट पर डालो, और जब वो एक्सपीरियंस को वेरीफाई करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस वाकई जेन्युइन है, कोई ऐसी नकली तो नहीं है, उसके बाद फिर आपको इन्वाइट करेंगे कि भी ठीक है, भी आपके पास एक्सपीरियंस आपका हो गया है, अब आपको चैलेंज एग्जामिनेशन दो। एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, वो रिटन होता है, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द थिंग जो भी उसका है, उसके बाद कई बार ओरल भी, प्रैक्टिकल भी लेते हैं कई बार। जैसे मेरे को पता है, जैसे शेफ है, कुक है, वो भी रेगुलेटेड में आप ले सकते हो, उसका भी वो बनवा के देखते हैं कि आप बना रहे नहीं बना रहे। तो जब अगर आप एग्जामिनेशन वो पास कर गए, तो आपको एल्बर्टा एक देता है, इसको कहते हैं क्यूसी, इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब कि ये है कि आप जर्नीमैन बन गए। जर्नीमैन मतलब कि आपको जो रेड सील है, रेड सील का एक जो चक्कर है, वो रेड सील का होता है, इंटर ऑपरेबल होता है, कि अगर आपको एल्बर्टा से पास कर लिया आपने, अगर आपको ओंटारियो में काम करना है, तो आप रेड सील का लो, तो दैट मींस यू आर नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कनाडा, दैट्स कॉल्ड रेड सील। पर अगर आप एल्बर्टा का अगर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ले गए, उससे भी आपका एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपकी फाइल लगाई है, तो उसमें आपका फेडरल स्किल ट्रेड क्लास ऑक्यूपेशन में आपका, अगर आप जितने आपके इंग्लिश है, इंग्लिश भी कम चाहिए उसमें, आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस, उसे आप पहुंच ले सकते हो, तो वो होता है। अगर आपने जो बात करी कि एक्सप्रेस एंट्री में जब वो उन्होंने स्कोर निकाला था उसका टीसी क्लास का, तो उसका स्कोर नीचे ही रहता है हमेशा, 200-250 पे उस वक्त बात बढ़ा दी, क्योंकि उनके लिए बहुत आगे ऊपर नहीं जाना पड़ता उनको, उनको दे डोंट नीड हाई इंग्लिश, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो ये चक्कर है। और रेड सील का जो जो मेरे पास जो 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 मेरी प्रैक्टिस है रेड सील की, उसके बारे में बता दें, क्योंकि कई लोग जो मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं जी अमरजोत जी तुसी मेरा रेड सील करा दो। मैं क्या, मैं नहीं करा सकता, यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन। सो जो मैं करा सकता हूँ वो मैं आपको बता दूँ क्या मैं करा सकता हूँ, और मेरे पास एक दो क्लाइंट्स हैं, और जो सुन रहे हैं वो, उनको पता है कि मैंने उनके लिए क्या किया। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, और आपके पास सारा जो कुछ जो चाहिए वो है, आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपना एक्सपीरियंस अपना वेरीफाई कराओ। जब आपको वहां से चिट्ठी आएगी कि आपको कनाडा में टेस्ट देना है, तब आप मेरे पास आए, उससे पहले मैं कुछ नहीं करा सकता आपका। डेट मीन्स कि मैं आपको एक्सपीरियंस में कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। हाँ, अब होगा क्या कि जब आपको विजिटर वीजा अप्लाई करना है, जब आपको विजिटर वीजा अप्लाई करना है, तब आपको कनेडियन वीजा ऑफिसर आपको दबोच लेगा कि भाई आप चले कहाँ हो, क्योंकि एक बार विजिटर वीजा मिल गया, हो सकता है कि आपको जॉब मिली तो आप वापस नहीं आओगे। तो विजिटर वीजा देने में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं लोग, और इसमें मेरे पास जो जो 2-3 केसेस मैंने किए हैं, वो मेरे पास आए हैं जब उनके एक बार, दो बार, तीन तीन बार रिफ्यूज हो गए उनके बाद विजिटर वीजा, तब मेरे पास आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए, और मैंने रेड सील का एग्जाम लेने के लिए उनके लिए विजिटर वीजा फाइल किया। मेरे से भी एक बार रिफ्यूज हो गया, एक बार दो बार रिफ्यूज हो गया, तो मैंने कहा आप डोंट वरी, हैव पेशेंस, एक बार रिफ्यूज हो गया, डोंट वरी। मैंने इसको दोबारा किया, फिर दोबारा वीजा लग गया उसका, 10 साल का वीजा लग गया। एक और क्लाइंट है और था मेरा, जो जो मेरे से भी 2 बार रिफ्यूज हो गया, फिर मेरे कहा डोंट वरी, रोना नहीं है आपको, तीसरी बार किया, तीसरी बार लग गया। तो मतलब के वीजा लग गए हैं, और वो अपना एग्जाम दे रहे हैं, जैसे दे करे। लेकिन मैंने उनको एक शर्त कही है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका विजिटर वीजा फाइल करूं, तो आपको मेरे को गारंटी देनी पड़ेगी कि आप वहां पर विजिटर वीजा का मिसयूज नहीं करोगे, और वहां पर एग्जाम देके आप वापस आओगे अपनी कंट्री, तभी मैं फाइल करूंगा। अगर आप मेरे को गारंटी नहीं दे सकते, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एप्लीकेशन। समझे। अच्छा एक और चीज, सॉरी अभी मैंने, अभी मेरे दिमाग में धीरे धीरे क्वेश्चन जाने लगे हैं, सॉरी। अभी मैंने पीछे एक चीज देखी थी कि किसी कैंडिडेट का वीजा 3 से 4 बार रिफ्यूज हो चुका है। अभी उसके कंसल्टेंट ने ये बात बोली कि हम लोग एक इमिग्रेशन लॉयर से अपील ऐड करेंगे। अभी आई डोंट नो, जितना मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा होता है कि स्टडी वीजा पे अपील ऐड नहीं होती, सिर्फ पीआर केसेस में अपील ऐड होती है। बिल्कुल तो सही कहा, अभी जब बिल्कुल सही कहा। इसके बारे में राज मैं खोल दूं कि स्टडी वीजा पे
विजिटर वीजा पे, वर्क वीजा पे कोई अपील नहीं होती. अपील नाम का वर्ड ऐसे यूज होता ही नहीं है, और जो भी इंसान वो अपील वर्ड कर रहे हैं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है. अपील का वर्ड ऐसी कुछ मतलब क्लाइंट को कहने के लिए यूज कर रहे हैं. देयर इज नो सच थिंग एज अपील. अपील होती है जैसे कि कोई पीआर के लिए करता है, और उसमें कोई डिपेंडिंग ऑन द रीजन एक्चुअली, उसके बाद आप उसको इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में आपको अपील कर सकते हो, और उसका भी एक टाइम होता है, एक स्टैट्यूटरी लिमिट है उसके, इतने टाइम में कर सकते हो. तो देयर इज नो सच थिंग एज अपील. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि किसी ने स्टडी वीजा किया, विजिटर वीजा किया, टेम्पररी वर्क वीजा भी किया, और उसका कैनेडियन हाई कमीशन ने कह दिया कि जी आपने झूठे डॉक्यूमेंट दिए, जी आपको हम मिसरेप कर देते हैं, आपको जी, आपको आपको जी आप बताओ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो विद इन 30 डेज, नहीं है तो आपको बाय बाय, आपको 5 साल के ब्लैक कर दिया. उसकी कोई अपील नहीं है, उसकी कोई अपील नहीं है. उसके बाद तो फेडरल कोर्ट में जाके आपको ज्यूडिशियल रिव्यू धक्के खाओगे, या पता नहीं होगा नहीं होगा. उसमें भी किसी भी लॉयर ने एटलीस्ट $5,000 से $10,000 का बिल बना देना, कुछ भी गारंटी किसी की नहीं है. तो इसमें कोई अपील नहीं होती, यू जस्ट हैव टू रीअप्लाई फॉर ऑल दिस टेंपरेरी वीजास. बिल्कुल, अभी उस कंसल्टेंट ने उसका बोला कि मैं अपील ऐड ऑन करूंगा और 20,000 रुपीज में आपसे चार्ज करूंगा, पैसे भी ले लिए. बट ये चीज अच्छी थी कि उस कैंडिडेट का 5वीं बार पे वीजा आ गया था, और अभी राइट ना वो स्टूडेंट वीजा पे कनाडा में है. बट वो अपील वाला लोचा, उस पर मैंने बहुत सर्च आउट किया कि ये चीज जब एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो लोग क्या बेच रहे हैं. वो चक्कर वो बेच रहे हैं अपना हाई वैल्यू पैकेज. उसमें अगर हम अपील कहते हैं तो अच्छा पैसे हम ले सकते हैं, अगर अपील नहीं कहते तो हमारे छोटे, अगर मैं कह दूं कि भी दोबारा रीअप्लाई करेंगे तो छोटे मोटे हो जाएगा. जब अपील कहते हैं पता नहीं हाश है कोई, जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे वो इंडिया का लॉयर है ना जेठमलानी प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी दुहाइयां देगा जब कोर्ट में जाके, जज साहब मेरे क्लाइंट को पास कर दो, ये कर दो, तारीख 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 तारीख, कुछ ड्रामा से लगता है कि अपील हो रही है, बिलिंग हो रही है, तो ये थोड़ा सा ड्रामा आपको करना पड़ता है. देखिए आप कह रहे थे 10 मिनट बात करनी है, 10 मिनट का 40 मिनट हो गया. जब इमिग्रेशन की समंदर में छलांग लगा देते तो इसमें अनलिमिटेड टॉपिक्स निकलते आते निकलते आते निकलते. समझ रही हूँ आपकी बात. तभी मैंने आपको पहले ही अपोलोजाइज किया इस चीज के लिए कि मुझे क्वेश्चंस याद आ रहे हैं अभी. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अर्चिता, और कोई क्वेश्चन अगर है तो बताएं, और नहीं तो फिर आज के लिए हम विदा लेते हैं. और हो सकता है कि अगर मौका मिला, जिंदगी रही, तो कभी अंबाले में आपके दर्शन होंगे. नहीं, मैंने आपको बताया था मेरे चाचू ने आपका रेफरेंस दिया था, तो मैंने आपके काफी वीडियोस देखे हैं. मैं तो आपको एज इन लेकर चलती हूँ. मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे तो मैंने एज इन मेंटर ही सोच के आपको कॉन्टेक्ट किया कि जिन चीजों में मुझे कंफ्यूजन आ रही है तो आप मुझे हेल्प करेंगे. उनको कैसे दिलचस्पी आ गई इमिग्रेशन की तरफ देखने के लिए वीडियो ऑटोमोटिव से? वो एक्चुअली हरनेक रंधावा जी का नाम सुना होगा आपने. हाँ जी हाँ जी, आई नो हम. जी वो हरनेक रंधावा जी उनके फ्रेंड है, तो उनके रेफरेंस से वो आपको भी जानते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने अपना काम शुरू किया, ये दो लोगों को फॉलो करती रहे. मैंने कहा ठीक है. मैंने फॉलो किया तो दोनों मेरे मेंटर बन गए. मैंने कहा ठीक है. अभी आपको पता है, अभी आप सीख रहे हो तो आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं. आपकी बस तमन्ना, कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो चीज लेकर मैं तो आपको एज ए मेंटर ही देखती हूँ हमेशा. हरनेक रंधावा एक्चुअली वो ट्रक चलाते हैं, और वो कैलगरी में रहते हैं, और वो मेरे ख्याल पता नहीं किस कंट्री से आए, मिडिल ईस्ट से आए हैं. और उन्होंने काफी अब डिस्क्राइब किया है कि वे ट्रकिंग की जॉब कैसे लें, ट्रकिंग का LMI कैसे मिलता है वगैरह वगैरह, सच्चाई क्या है ट्रकिंग के बारे में. आजकल जो लाइसेंसिंग सिस्टम है काफी टफ है, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आपको लाइसेंस मिल जाएगा. उसके बारे में काफी उन्होंने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी लोग उन्हें वो फॉलो करते हैं, ट्रक वाले स्पेशली. बिल्कुल सर, उन्होंने AIPP में अंडर उन्होंने अप्लाई किया था अपना ट्रक ड्राइविंग का. अच्छा, थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ उनकी वीडियोस, तो मुझे थोड़ा आइडिया है. और कुछ हमारी फैमिली कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, और मोस्ट ऑफ द मेरे फैमिली मेंबर सारे बाहर है, और इस वजह से मे बी कुछ नॉलेज इधर उधर से मिल जाती है चीजें. जी ठीक है, तो आज के लिए तो सर thank you, Ashley. Stay in touch, or you know, hope to touch base and see you sometime in the future. Sure, sir. Sure. Thank you. Namaskar. Thank you very much, sir. Thank you.